हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्पून विद नीतू। फ्रेंड्स, आज हम एक चॉकलेटी सा स्वीट डेजर्ट बना रहे हैं जो कि है चॉकलेट मूज केक। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में ले लेंगे मिल्क चॉकलेट। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी डार्क चॉकलेट और इनको हम 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे। ये देखिए हल्की सी मेल्ट हो गई है, मिक्स करके देखते हैं। ये देखिए अभी थोड़ी टाइट है तो हम इसे 30 सेकेंड के लिए और माइक्रोवेव कर लेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको एक भगोने में बॉयल्ड पानी के ऊपर रख के भी मेल्ट कर सकते हैं। ये देखिए मेरी चॉकलेट जो है ये एकदम से मेल्ट हो गई है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ चॉपर और उसमें मैं डाल रही हूँ ओरियो के बिस्किट और थोड़े से नॉर्मल बिस्किट डाल रही हूँ। आप चाहे तो सारे ओरियो के बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छे लगे आप वो वाले बिस्किट इसमें यूज़ कर लीजिए। अब हम इनको पीस लेंगे और ये देखिए ये पाउडर बन गया है बिस्किट का। अब साइड में रखेंगे और ये एक मैं प्लेट ले रही हूँ और उसमें मैं एक रिंग रख रही हूँ। आपको जिस प्लेट में सर्व करना है उसी में ही आपको ये डिश बनानी है। तो अब हम चॉकलेट ले लेंगे, मेल्टेड चॉकलेट, और उसमें ये बिस्किट पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको देखिए पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं ये जो है रिंग में इस मिक्सचर को डालूंगी, मैं ये पूरा यूज नहीं कर रही हूँ। अब मैं इसको प्रेस करके दबा के अच्छे से फ्लैट कर लूंगी। ये देखिए ऊपर से ये मैंने स्मूथ कर लिया है। इसको अब हम रखेंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। तब तक अब हम यहाँ पर बना लेंगे अपना मूज। ये मैंने ली है यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम और इसको मैंने हल्का सा गरम किया है और उसमें अब मैं चॉकलेट डाल रही हूँ, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये पूरा इसमें चॉकलेट मिक्स ना हो जाए। आपको इसे चलाते रहना है। ये देखिए पूरा ये मिक्स हो गया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक हम ऊपर से गार्निश के लिए चॉकलेट गनाश बना लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ डार्क चॉकलेट और अब मैं इसमें 2 चम्मच दूध डालूंगी। ये देखिए और इसको भी मैं माइक्रोवेव कर लूंगी 30 सेकंड के लिए। ये देखिए चॉकलेट जो है सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ये देखिए हमारा जो है एकदम से शाइनिंग चॉकलेट गनाश तैयार हो गया है। देखिए अब जो है इसको हम साइड में रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर मैंने ये जो क्रीम और चॉकलेट का मिक्सचर हमने ठंडा होने के लिए रखा था इसको निकाल लिया है आधे घंटे बाद और ये ठंडा हो गया था अच्छे से। अब मैं इसको बीटर की मदद से बीट कर लूँगी। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैंने यहाँ पर शुगर का यूज़ नहीं किया है क्योंकि जो हमारी व्हिपिंग क्रीम है उसके अंदर ऑलरेडी शुगर होती है। तो देखिए ये जो है हमारा चॉकलेट मूज बन गया है। अब जो है ये हमारा कुकीज़ मिक्सचर एकदम से सेट हो गया है। अब मैं इसमें ये चॉकलेट मूज डाल दूँगी और इसको भी हम अब 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे फ्रीजर में। देखिए ये अब सेट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट गनाश डाल रही हूँ, ये थोड़ी सी टाइट हो गई है। अब मैं इसको एक स्पून की मदद से स्प्रेड कर लूँगी सारा अच्छे से फैला लेंगे इसको। देखिए पूरा इसको ऐसे हम फैलाएंगे। अब इसको फिर से हम सेट होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा तकरीबन। अब मैं ऊपर से नाइफ की मदद से इसको थोड़ा सा पुश कर रही हूँ नीचे ताकि ये इजीली निकल जाए। देखिए आराम से हमारा जो है केक, ये चॉकलेट मूज केक निकल गया है। अब मैं इसको स्प्रिंकल से गार्निश करूँगी। देखिए यहाँ पे मैं ये छोटी छोटी बॉल्स ली हैं, इनसे गार्निश कर रही हूँ और ये हमारा चॉकलेट मूज केक एकदम से बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।